मुस्तिल दुश्मन इश्तियाल अंग्रेजियों से बाज ना आया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी से एक बच्चा शहीद और चार शहरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की मुसलसल सीज फायर माहिदे के खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसके नतीजे में एक बच्चा शहीद और खातून समेत चार शहरी जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारतीय फोर्सेस ने एलओसी पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने बरवा ढंडियाल के रख चक्री और चिरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और मार्टर गोले बरसाए, जिसके नतीजे में दो साल बच्चा मोहम्मद हसीब शहीद और खातून समेत चार शहरी जख्मी हो गए। आईएसपीआर ने बताया कि मोहम्मद हसीब ढंडियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की गोलाबारी से शहीद हुआ, जबकि बरवा और रख चक्री चिरीकोट सेक्टर पर एक खातून और 72 साल बुजुर्ग समेत चार शहरी शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंग्रेजी का भरपूर जवाब दिया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में छह अफराद जख्मी हुए। दूसरी जाने पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आलूवालिया को दफ्तर खारजा तलब किया और भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि कंट्रोल लाइन पर तनाव बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत 2003 के जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करे।